जब भी हम बाजार से भिंडी लाते हैं तो भिंडी में केमिकल काफी लगा होता है, तो इसे हटाने के लिए हमें एक चम्मच नमक ले लें, 250 ग्राम भिंडी है उसके अकॉर्डिंग हम नमक डाल दें और मिक्स कर लें इस तरह से, और इसे 15 मिनट ऐसे ही रहने दें। इसके बाद इसे धो के फिर काम में ले, इससे कि इसका केमिकल खत्म हो जाएगा और ये नुकसान नहीं करेगी। जब भी हम ज्यादा क्वांटिटी में लाल मिर्ची लाते हैं उसे डब्बे में रख देते हैं तो थोड़े दिन बाद खराब होने लग जाती है, तो नहीं होए उसके लिए हमें थोड़ी सी हींग ले ले इस तरह से और इसे मिक्स कर ले और फिर डब्बा बंद करके रख दे तो ये ज्यादा दिन तक चल जाएगी। जब भी हम पूड़ी का आटा लगाते हैं तो उसमें नमक और अजवाइन तो डालते ही हैं और थोड़ा सा मोइन के लिए घी या ऑयल भी डालते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी चीनी डाल दे और फिर पूड़ी बनाए तो ये स्वादिष्ट बनेगी और नरम भी बनेगी। तांबे को जग को साफ करने के लिए देखिए कितना काला हो रहा है तांबे का जग, तो इसे नींबू से भी कर सकते हैं, तो आज मैं साइट्रिक एसिड से कर रही हूँ। इसे नींबू का सत भी बोलते हैं, कोई भी जूना ले ले और फिर इसे इस तरह से ले ले और फिर इस तरह से कर ले। इस तरह से रगड़े से इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हो आप और ऐसे भी कर सकते हो। देखिए साफ होने लग गया ना, देखिए इस तरह से रगड़े इसे। देखिए कितना अच्छा हो गया। इसी तरह पूरे जग को कर लेंगे, पूरा लगा लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा गीला कर ले इसको जूने को। देखिए कितना अच्छा साफ हुआ है, इसी तरह पूरा कर लेंगे। देखिए पूरा जग कितना अच्छा साफ हुआ है। अब इसे हम डिटर्जेंट से साफ कर लेंगे और फिर पानी से साफ कर लेंगे। अभी विम बार ले रही हूँ मैं, थोड़ा सा विम बार लगा लेंगे। और इसे पानी से साफ कर लेंगे। देखिए हमारा जग कितना अच्छा साफ हुआ है, तो इसी तरह आप भी साफ कीजिए। चावल में जल्दी सी इलियां होने लग जाती है, तो वो नहीं हो उसके लिए हमें ये माचिस की डिब्बी है, इसके अंदर तिली है, इसे रख दे और फिर डब्बा बंद करके रख दे, तो इससे इलियां नहीं होगी।